आज हम बात करेंगे नेचुरल सिस्टम की कि नेचुरल जो मेडिकल सिस्टम है वो क्यों उसको इस्तेमाल किया जाए। देखिए, सबसे पहले हमें बात ये समझनी चाहिए कि जब हम इलाज करते हैं तो हम किसको करते हैं। हम उन इंसानों को करते हैं या ह्यूमन बीइंग्स को करते हैं जो नेचर ने बनाए हैं और जो कुदरत के उसूलों पे काम करते हैं। कुदरत के उसूल क्या हैं? हमने जो सिलेबस में इंसान को समझा है वो ये समझा है कि एक साख्त है, उस साख्त के इलम को हम एनाटमी कहते हैं। फिर उसके फंक्शंस को समझा है, उस फंक्शंस के इलम को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद बीमारियों का इलम जिसको हम पैथोलॉजी कहते हैं, और उसके बाद तदाबीर या मुख्तलिफ अदवियात से उनको दुरुस्त करने की तरकीब जिसको हम मेडिसिन कहते हैं, या फिर करेक्शन कहीं पर कुछ करनी हो तो उसको हम सर्जरी कहते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स, मगर सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो हमें समझना चाहिए है वो है कॉन्शियसनेस का। वो कॉन्शियसनेस क्या है कि ये इंसान जिसकी साख्त हमने ऐसे पढ़ी है और समझी है, जो काम ऐसे 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 करता है और जब बिगड़ जाता है तो ऐसे ऐसे बिगड़ता है, तो इसको दोबारा से फिर फंक्शंस में लाने की तदाबीरें जो कभी सही भी हो जाती हैं और कभी नहीं भी हो जाती हैं, तो तब भी हमारी तदाबीर चलती रहती हैं। मगर सबसे अहम बात जो है वो है कॉन्शियसनेस कि अगर एक सेल है वो काम करती है, वो लिविंग सेल है, तो ये क्यों काम करती हैं, किसके कहने पे काम करती हैं, इस इल्म को क्या नाम दिया जाए, और जब ये अपना काम बंद करती हैं तो क्यों करती हैं, और तब हम बहुत भी तदाबीरें करें, सारे तदाबीरें, सारा जो हमने इल्म हासिल किया हो, सारी जो एक्सपीरियंस हमारे पास हो, वो सारा का सारा जब हम यूज़ करते हैं तो नतीजा कुछ नहीं निकलता है, और यही इख्तिताम ज़िंदगी होती है जिसको हम मौत या डेथ भी कहते हैं। और अगर इसमें यानी समझने की हम कोशिश करें तो हमें ये समझना है कि ये कायनात जो है वो कायनात जो है नेचुरल रूल्स पे काम करता है, नेचुरल लॉज पे काम करता है। हमारा जिस्म भी नेचुरल लॉज पे काम करता है, और एक वक्त से एक वक्त तक, और वो वक्त टाला नहीं जा सकता, और वो वक्त जो है जब ख़त्म हो जाता तो बात ख़त्म हो गई, बहस ख़त्म हो गई। और जब तक इंसान ज़िंदा है तभी तक एक डॉक्टर का भी रोल, एक वेद का भी रोल, एक फेथ हिलर का भी रोल, एक हकीम का रोल या किरदार बन सकता है। और इंसान ने जब अपनी आंखें बंद कर दी तो सब का रोल ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से जो कॉन्शियसनेस का चैप्टर है उसको समझने की ज़रूरत है। उसमें हमें क्या समझना है कि भाई वो पार्ट, वो हिस्सा जिसमें सेल मजबूर है अपना काम करने के लिए, वो क्यों कर मजबूर है, किस हुक्म के तहत वो काम करती हैं, अगर ये बात हमें समझ में आ जाए तो शायद हम किसी को मरने भी ना दें, जो मैं ये बात कहना चाहता हूँ। तो इस तरह से हम जब बात करते हैं तो नेचर एक कानून है, इस कानून को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, इस कानून में तरमीम नहीं की जा सकती है, और नेचर ने जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में रखी हैं वो इसी ज़िंदगी को आगे बढ़ने के लिए, इसी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए वो सारे के सारे तदाबीर मौजूद है इसी नेचर में। तो इसी नेचर से हमें हेल्प लेना चाहिए ताकि वो जड़ी बूटियाँ, वो हर्ब्स जो हमारे जंगलों में, जो हमारे मैदानों में पाई जाती हैं, उन्हीं से हमें मदद लेनी चाहिए, और उन्हीं का मदद या इमदाद लेके हम अपनी सेहत बना सकते हैं। क्योंकि जितना भी हम इंटरफेयर कम करें केमिकल्स से, खादों से, प्रिजर्वेटिव से, फूड एडिटिव्स से, या उन चीज़ों से जो हमारी फिजियोलॉजी को जिस्म में डिस्टर्ब करते हैं या अननेचुरल तरीक़ेकारों से, तो वो डिस्टर्बेंस जितनी कम हो जाए उतनी बेहतर है। क्योंकि
हमारा जिस्म जो है वो अननेचुरल लॉज पे काम नहीं करता है और हमें अपने जिस्म का नेचर किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यही आज की मैसेज रहेगी। तो इसलिए जब भी आप अपने दर्द के लिए इजाला सोचें, जब भी आप अपनी बीमारी को इफाका के लिए सोचें, तो नेचुरल मेडिसिन ही आपके लिए सबसे बेहतरीन जवाब है। शुक्रिया। हमारी बात पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा, ताकि हम आगे भी इसी तरह के वीडियो बनाते रहें। शुक्रिया।